स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा कुछ फार्मूले पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। वो फार्मूले हमारे क्या थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्ट चार्ज रिंग, चाहे वो यूनिफॉर्मली चार्ज थी या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज थी। तो उसके लिए फार्मूला मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ जल्दी से। जो अगर एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है और इस पर ऊपर जो अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो चाहे यूनिफॉर्मली मतलब चाहे एक समान रूप से वितरित हो और चाहे असमान रूप से वितरित हो, उसके एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फार्मूला हमने क्या पढ़ाया था, बी इक्वल टू पढ़ाया था बेटा के, ऐसे लिख लिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज एक रिंग थी, चाहे इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली, चाहे एक समान रूप से वितरित हो चाहे असमान रूप से वितरित हो, इसके एक्सिस पे जो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, तो पोटेंशियल कितना होता है, ये पोटेंशियल होता है। सेंटर पे पोटेंशियल भी मैंने इसका बताया था बेटा, तो सेंटर पे क्या होता है वी सी, सेंटर क्या है जहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो वहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये फार्मूला बताया था, फिर हालो स्पेयर का बताया था, कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर का बताया था, स्पायरिकल सेल का बताया था, और एक क्वेश्चन हमने लास्ट में लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक मतलब संकेंद्री, जो अगर दो खोखले गोले हैं उसके कारण पोटेंशियल कैसे निकाल। इससे रिलेटेड जेई में मेंस में एडवांस में प्रॉब्लम पूछी गई है, तो इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं। पहले क्या कर लेते हैं बेटा, प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम हम क्या करना चाहते हैं, बस क्वेश्चन आपको समझना है कि सपोज करो कि एक ये रिंग है, क्या है बेटा एक रिंग है जिसकी रेडियस हमारी आर है और एक अनदर रिंग है जिसकी भी रेडियस कितनी है आर ही है। एक रिंग हमारी कितनी है बेटा, फर्स्ट रिंग है जिसका सेंटर मान लेते हैं सी वन पे है, एक अनदर रिंग है जिसका सेंटर कहाँ पे सी टू पे है, और इन दोनों रिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। रिंग का मतलब जैसे एक्सिस पे रखे, एक रिंग यहाँ पे रखी एक इसके ऊपर रिंग रखी, जैसे चूड़ियाँ पहनते हैं ना, तो एक चूड़ी यहाँ पे एक चूड़ी इसके ऊपर है, तो इनका एक्सिस क्या एक ही लाइन पे आ जाता, इनको कहते हैं कोएक्सियली, क्या कहा जाता है एक ही अक्ष पे हैं, क्या है बेटा एक ही अक्ष पे हैं। तो एक रिंग हमारी ये है, एक रिंग हमारी ये है, इसकी रेडियस आर है, इस दोनों रिंग के बीच का सेपरेशन कैपिटल आर है, और अनदर रिंग का भी क्या है आर ही रेडियस है। इस पर क्यू वन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, इससे कोई लेना देना नहीं है इस केस में। इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू वन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या मान लिया जाए, क्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है, इसकी लैंग्वेज हो सकती है ऐसे कह सकते हैं, लेट अस कंसीडर टू कोएक्सियली रिंग्स ऑफ सिमिलर रेडियस कैपिटल आर प्लेस्ड एट अ कैपिटल आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इफ चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर विच। तो आपको करना क्या है, जो अगर यहाँ से एक चार्ज इस सी वन से चार्ज क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम सी वन टू सी टू। क्या है बेटा एक रिंग है, फिर से क्वेश्चन समझिए, एक रिंग है रेडियस आर चार्ज इस पर क्यू वन है, अनदर रिंग है रेडियस आर है चार्ज कितना है क्यू टू है, इन दोनों के सेंटर कितनी डिस्टेंस पे आर। जो अगर एक स्मॉल क्यू चार्ज को, किस चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाया जाए, सी वन से सी टू तक लेके जाएं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू क्या होगा हमें कैलकुलेट करना, क्वेश्चन ये है। समझ आ गई बात नहीं आ गई, फिर से सुन लो, एक रिंग हमारी ये है एक अनदर रिंग ये है, जो अगर एक चार्ज क्यू को सी वन से सी टू तक लेके आए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन तो हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं,
अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकालेंगे? W लगाने के लिए जिसको लेके जाते हैं वो चार्ज लेंगे, तो किसको लेके जाते हैं? क्यू को। अब किस पोटेंशियल, किस पॉइंट से लेके गए? C1 से C2। तो पहले कहाँ का पोटेंशियल लेंगे? जहाँ पहुँचता है वहाँ का पोटेंशियल लेते हैं। तो क्या लगाएंगे? VC2 माइनस VC1, यही तो हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जब अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना हो तो जिस चार्ज को लेके चलते हैं वो चार्ज लिया जाता है। चाहे यहाँ ऐसे ले यूज कर सकते हैं, क्यों ले जाते हैं, जो चार्ज लेके जाते हैं। और जिस पॉइंट पे पहले जिस पॉइंट पे पहुँचता है वहाँ का पोटेंशियल माइनस जिस पॉइंट से आता है वहाँ का पोटेंशियल लगाते हैं। हाँ, पोटेंशियल निकालते टाइम जिस चार्ज को मूव कराते हैं वो पोटेंशियल नहीं बनाता, उसको इग्नोर करके चलते हैं। तो हमारा टेंडेंसी क्या होना चाहिए? पहले हम किस पे पोटेंशियल निकालें? C2 पे पोटेंशियल निकालें, फिर किस पे निकालें? C1 पे पोटेंशियल निकालें और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट कर दें और हमारा आंसर निकल आएगा। समझ आ गई बात? तो फिर कैसे निकालें C1 पे पोटेंशियल? हम कहाँ पे निकालें? C1 पे पोटेंशियल निकालें या C2 पे निकालें? एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो C2 पे पोटेंशियल पहले निकालते हैं। पोटेंशियल कहाँ निकालें? पोटेंशियल एट C2। तो ये वाली रिंग C2 पर पोटेंशियल बनाएगी नहीं बनाएगी, क्योंकि इस पर चार्ज है। तो इस वाली रिंग के लिए C2 पर पॉइंट क्या है? एट द सेंटर। और एट द सेंटर के लिए फार्मूला अभी क्या लिखा था? 1/4πε0KQ/R। तो यहाँ पे चार्ज कितना है? Q2। तो अगर हम V1 कह दें ड्यू टू किस रिंग के कारण, ये रिंग नाम देते हैं रिंग 1 और ये रिंग 2, इनके नाम दे देते हैं। ये रिंग क्या है? ये पहली रिंग है और ये दूसरी। तो C2 पे पहले किसके कारण निकालेंगे? दूसरी वाली रिंग के कारण। तो पोटेंशियल एट C2 ड्यू टू रिंग 2। तो 2 रिंग कितना बनाएगी? 1/5, क्योंकि रिंग 2 के लिए C2 पॉइंट क्या है? एज अ सेंटर ही तो है। तो हम क्या लगाएंगे? 1/4πε0। चार्ज कितना है? Q2। और उसकी रेडियस कितनी है? R। अच्छा, क्या इस C2 पॉइंट पे ये वाली रिंग पोटेंशियल नहीं बना पाएगी? इस C2 पॉइंट पे ये वाली रिंग पोटेंशियल बनाएगी या नहीं बनाएगी? ये वाली रिंग C2 पॉइंट पे ये रिंग 1 पोटेंशियल बनाएगी या नहीं बनाएगी? बनाएगी, लेकिन वो कौन सा होगा? ऑन द एक्सिस। क्योंकि भाई C2 पे ये वाली रिंग तो पोटेंशियल बनाएगी ही बनाएगी, और साथ में ये वाली रिंग भी C2 पे पोटेंशियल बनाएगी। क्योंकि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण। तो ये भी एक सिस्टम ऑफ चार्ज है और ये भी एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। तो पहले इस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकाला, फिर इस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, और फिर दोनों को अलजेब्रिक सम या बीजगणितीय योग कर देंगे। तो तभी लिखा है पोटेंशियल एट C2 ड्यू टू रिंग 2। तो रिंग 2 के लिए C2 क्या है? एट द सेंटर। लेकिन रिंग 1 के लिए C2 क्या है? ऑन द एक्सिस। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट C2 ड्यू टू रिंग 1। अब रिंग 1 के लिए क्या फार्मूला? एक्सिस के लिए भी क्या पढ़ाया था? एक्सिस के लिए पढ़ाया था V=1/4πε0Q/√R² + x², यही तो एक्सिस का फार्मूला हुआ करता था, अभी लिखा हुआ था। तो बताओ V2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, फार्मूला लिख दिया क्योंकि आपको वैल्यू लिखने में आसानी रहे। तो 1/4πε0 तो लिखना है, तो 1/4πε0 लिखेंगे। चार्ज कितना है? इसके लिए Q1 लेना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए एक्सिस है। तो Q1 और रेडियस तो R ही है, और X की वैल्यू कितनी लिखेंगे? X की वैल्यू क्या लेंगे बेटा? R ही लेंगे। तो C2 पे पोटेंशियल जो होगा इसके कारण पोटेंशियल, और इसके कारण पोटेंशियल का क्या होगा? एल्जेब्रिक समेशन होगा। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी टू क्या कहेंगे? इसको डिब्बा मार लेते हैं, बाद में पुट करने के लिए। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा एट C2? तो V क्या लिखेंगे बेटा? V1 के टर्म में लिखा, V1 + V2। तो V1 + V2, ये V1 की वैल्यू है, ये क्या है? V2। तो डायरेक्टली ऐड करने में हम कॉमन लेकर के ले लेते, तो कॉमन हमें क्या मिलेगा? 1/4πε0।
और इसको जो लिखें तो आर रूट टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा टू आर स्क्वायर, आर बाहर आ जाएगा आर रूट टू। तो हम जो अगर डायरेक्टली यहाँ पे लिखें तो लिख सकते हैं 1/4πε₀r Q1 Q2 प्लस Q1 बाई रूट टू। सही लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो 1/4πε₀, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q2 बचेगा, और जब इसमें कॉमन लोगे 1/4πε₀r तो ये क्या बचेगा, यहाँ चार्ज कितना है उसका, Q1 लिख लेते हैं, ठीक है, तो Q1 बचेगा और अपॉन में रूट टू बचेगा। तो BC1 हमने निकाल लिया नहीं निकाल लिया, सॉरी BC2 निकाल लिया नहीं निकाल लिया, सेंटर टू पे पोटेंशियल इसके कारण भी और इसके का। अब हमें पोटेंशियल का किसकी ज़रूरत है, BC1 की, तो BC1 पे कौन कौन पोटेंशियल बनाएगा, ये वाली रिंग कहाँ पे बनाएगी, एट द सेंटर, और ये वाली रिंग कहाँ बनाएगी, एट द एक्सिस। तो इन दोनों का हमें अलजेब्रिक समेशन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, तो जो अगर इसके लिए पूरी स्टेटमेंट ना लिख कर, चलो लिख देते हैं, ये रब कर देता हूँ मैं, इस साइड लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट C1 ड्यू टू रिंग 1, रिंग 1 यहाँ बनाएगी नहीं बनाएगी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट C1 ड्यू टू रिंग 1, तो कितना बनाएगी V, सेंटर पे फार्मूला होता 1/4πε₀Q/r, तो लिखेंगे 1/4πε₀, चार्ज इसका कितना है Q1, और रेडियस कितनी है R है, तो ये V1 बनेगा नहीं बनेगा, और ये वाली रिंग C1 पे क्या पोटेंशियल बनाएगी, एट द एक्सिस। तो डायरेक्टली हम लिख लें, तो बताओ B2 क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे 1/4πε₀ Q2/√R² + R² तो नेट पोटेंशियल C1 पे कितना हो जाएगा, फिर इस बार भी क्या होगा, C1 होगा V1 + V2। अब इनको आप फिर से ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखूं तो VC1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε₀ तो रहेगा ही, इस बार यहाँ पे आएगा Q1 और यहाँ पे क्या आएगा Q2/√2। अब बताओ हमें पोटेंशियल तो निकालना नहीं था C1 C2 पे, हमें तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, और अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करते हैं, क्यू ले जाते जिस पोटेंशियल पे आया जिस पॉइंट पे वहाँ का पोटेंशियल माइनस। अब क्या करोगे, BC2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और VC1 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे बेटा, यहाँ पुट करोगे और सॉल्व करोगे, जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे इन पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये W क्या है, W निकालने के लिए Q तो लिखोगे, अब Q लिख के BC2 लिखोगे, BC2 क्या है, दैट इज, तो पहले BC2 की वैल्यू पुट करोगे, तो 1/4πε₀r Q2 + Q1 √2, फिर माइनस BC1 क्या है, दैट इज ये वैल्यू पुट करो, 1/4πε₀ Q1 + Q2 √2। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसमें क्या सीखा, हमने ये सीखा कि आपको जो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो आप इस की पॉइंट को समझो कि जिस चार्ज को मूव कराते हैं W निकालने के लिए वो चार्ज, और जिस पॉइंट पे लेके जाते हैं वहाँ का पोटेंशियल, माइनस जिस पॉइंट से लेकर के आए हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल करते। इसके बाद जो अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, आप मैसेज करके पूछिए कि सर इस क्वेश्चन में हम इस जगह पे नहीं समझ पाए हैं। अब यहाँ पे इसको रोक करके बताना उतना उचित नहीं रहता है, तो आप कमेंट करके आप हमारे पास भेजिए कि हम इस लाइन को नहीं समझ पाए हैं, उसका फ़ोटो लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को हमारे पास भेजिए, फिर हम बताएंगे बेटा यहाँ पे ये प्रॉब्लम, या आप पर्सनली हमें कॉल करिए, जब आप पर्सनली कॉल करेंगे तब भी हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अंडरलाइन करके हमारे पास भेजिए कि सर हम इस जगह पे ये बात नहीं समझ पाए हैं, फिर आपके प्रॉब्लम को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब एक की पॉइंट आप ध्यान रखिए, हमारा मेन की पॉइंट क्या है, हमारा की पॉइंट ये है कि जब हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना होता है
तो W क्या, जिस चार्ज को म्यू कराते हैं वो चार्ज लेते हैं, जिस पॉइंट पे गया है वहाँ का पोटेंशियल माइनस जिस पॉइंट से आया है वहाँ का पोटेंशियल लेते हैं। और चार्ज को बेटा, क्योंकि हमारा वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सबको विद साइन हमें पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? विद साइन पुट करना पड़ेगा। और जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछिए, इसको मैं रफ करता हूँ। सीधा है, सिंपल यार, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। जो अगर हमें एक क्यू चार्ज को C1 से C2 तक मूव कराएंगे तो पहले C2 पर नेट पोटेंशियल निकालेंगे। C2 पर नेट पोटेंशियल ये वाला भी बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा, लिख दिया। और जब आप C1 पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो इसका सेंटर पे बनेगा, इसके एक्सिस पे बनेगा, उसको लिख दिया और फिर फार्मूले में पुट कर दिया। चलिए इसका एक बेसिक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। चलो सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एक चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू है, इससे ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है आपका कैपिटल ए, और इससे बी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है कैपिटल बी। कितने डिस्टेंस पे है बेटा? बी डिस्टेंस पे। हम कह दें कि एक स्मॉल क्यू, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कि एक हमारा कैपिटल क्यू चार्ज है, इससे स्मॉल ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है और स्मॉल बी डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है? बी है। जो अगर मैं कहूँ एक स्मॉल क्यू चार्ज को, किसको, इस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज स्मॉल क्यू या स्मॉल माइनस, चलो क्यू ही लिख लेते हैं, स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू बी। तो क्या करेंगे, एक चार्ज कैपिटल क्यू है, स्मॉल ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है, स्मॉल बी डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी है, और कह रहा है कि एक स्मॉल क्यू चार्ज को ए से बी तक लेके जाएं, ए से बी तक लेके जाएं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? तो फार्मूला आप जानते ही हैं, डब्ल्यू क्या होता है, क्यू, ऐसे याद कर ले, ले जाते हैं जिस चार्ज को लेके जाते हैं, जिस पॉइंट पे पहुंचा है उसका पोटेंशियल पहले लिखेंगे। तो कौन से पॉइंट पे पहुंचा है? बी पॉइंट पे, बी बी माइनस बी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्यू चार्ज पहले कहाँ आया? बी पॉइंट पे, और कहाँ से आया? ए पॉइंट। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आ गए कहाँ से आए, तो ये क्यू कहाँ से कहाँ आए हैं, क्यू आ गए हैं किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे, और कहाँ से आए हैं? ए पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे आए हैं वहाँ का पोटेंशियल माइनस जिस पॉइंट से आते हैं उसका पोटेंशियल लेते हैं। जैसे पुराने क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक गया था? C1 से C2 पे गया था, तो किसका पोटेंशियल लिए थे हम? BC2 माइनस BC1। जो अगर C से D पे मूव कराओगे तो क्या लिखोगे? BD माइनस BC। जो अगर A से X पे लेके जाओगे तो क्या लिखोगे? BX माइनस BA। इसमें कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? और फिर क्या करेंगे, हमें सब कुछ आता है, किस चार्ज को लेके जा रहे हैं? क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो W हम लिखेंगे क्यू। अब किस पॉइंट पे आया है? बी पॉइंट का, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकालना होगा। जो इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना होगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कौन बनाएगा? ये कैपिटल क्यू ही इस पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा? नहीं बनाएगा, ये कैपिटल क्यू चार्ज ही तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा। और एक पॉइंट चार्ज किसी पे पोटेंशियल कैसे बनाता है? KQ/R या 1/4πε0Q/R। ये फार्मूला बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। एक पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना बनाता है? 1/4πε0Q/R। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? BB, दैट इज द 1/4, यहाँ पे लिख लो BB माइनस ये, तो BB क्या होगा? 1/4πε0 चार्ज क्या है? क्यू, और डिस्टेंस क्या है? बी। इसमें क्या परेशानी है, ये तो बताया गया है पॉइंट चार्ज से। अगर आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे तो जरूर आपको समझ आएगा कि एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैसे निकलता है, 1/4πε0Q/R निकलता है। एक रिंग चार्ज का फार्मूला क्या होता है, एक हालो स्पेयर के थ्रू फार्मूला क्या होता है, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर का फार्मूला क्या होता है, ये तो फार्मूले लिखाए गए हैं आपको। और आपको ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। आप सबसे पहले फार्मूले लर्न करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा BB क्या होगा। तो और BA क्या होगा? BA होगा बेटा 1/4πε0Q/R। डिस्टेंस क्या है आपकी? ए। अब ये बी ए और बी बी यहाँ पुट कर लीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसमें कौन सी बहुत बड़ी PhD का काम है।
और आपको ये भी पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है? जिसमें बहुत सारे चार्जेज हों तो सबसे पहले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, ऐसे दो होमवर्क भी मैंने दिए थे कि सबसे पहले उन सभी चार्जों के कारण उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिए और फिर जो अगर किसी और पॉइंट पे निकालना है। तो जैसे ये रिंग वाला क्वेश्चन था, एक रिंग ये थी, एक रिंग ये थी, इस पर क्यू वन चार्ज था, एक क्यू टू चार्ज था। तो जो अगर हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो भैया ये वाला भी पोटेंशियल बनाएगा, ये वाला भी पोटेंशियल बनाएगा, दोनों का अल्जेब्रिक समेशन ही तो लेंगे। और जो अगर एक रिंग ऊपर होती तो ये वाली भी यहाँ बनाती, एक नीचे होती तो ये वाली भी यहाँ बनाती। जो अगर यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ होता तो वो भी यहाँ पोटेंशियल बनाता, क्यों नहीं बनाता? ये तो पढ़ाया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो जितने भी चार्ज सिस्टम होंगे सब मिलकर पोटेंशियल बनाएंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? आगे चलें, इसको रफ कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन वाला कम से कम 5 से 6 प्रॉब्लम पूछी गई हैं नीट में और अक्सर पूछ ली जाती हैं। एक बार ही नहीं, कई बार पूछी गई हैं, जेई मेंस में भी पूछी गई हैं, एडवांस में भी पूछी गई हैं और नीट में तो 6-7 प्रॉब्लम पूछी गई हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालो। क्या निकालो? अमाउंट ऑफ वर्क डन। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज q है, यहाँ पे चार्ज 2q है और यहाँ पे चार्ज 3q है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। मान लेता हूँ कि ए सी का मिड पॉइंट इसकी साइड ए है, मान लिया जाए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ए बी और सी कॉर्नर पे चार्जेस स्मॉल क्यू, 2q और 3q रखे हुए हैं। ये कहा जाए कि जो ये एम पॉइंट है ये क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एन पॉइंट, एम पॉइंट क्या है? मिड ऑफ ए सी। और चलो एक ये लेते हैं एन, एन क्या है? एन है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो अगर मैं कह दूं एक चार्ज स्मॉल क्यू को कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं, एम टू एन मूव कराते हैं, कहाँ से कहाँ तक? क्यू को, क्यू को कहाँ से कहाँ तक मूव कराते हैं? एम से एन तक। ऐसे लेके आते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालो। तो क्या करोगे, किसको लेके जा रहे हैं आप चार्ज? आप जो चार्ज लेके जा रहे हैं दैट इज द, कौन सा चार्ज मूव करा रहे हैं? क्यों ही तो मूव करा रहे हैं। तो W क्या लिखेंगे? W किस, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक चार्ज स्मॉल q है, एक चार्ज 2q है, एक चार्ज 3q है। इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड A है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है? M है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? N है। जो अगर इस स्मॉल q चार्ज को N से N तक लेके आए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? क्या पढ़ाया गया? q ले जाते माइनस आ गए, किस पॉइंट पे आए हैं आप? एन पॉइंट पे। वहाँ का पोटेंशियल वी एन माइनस क्या लगाएंगे, किस पोटेंशियल से आए हैं? बी एम से आए हैं। इसमें कौन सा बड़ा काम है? यही तो करना है आपको। अब एन पॉइंट, जो अगर हम एम पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एम पॉइंट पे ये वाला भी पोटेंशियल बनाएगा, क्यू पोटेंशियल बनाएगा? नहीं बनाएगा। इस एम पॉइंट पे ये 3q वाला भी पोटेंशियल बनाएगा और इसी एम पॉइंट पे ये 2q वाला भी तो पोटेंशियल बनाएगा। तो इसके कारण मान लो v1, इसके कारण मान लो v2 और इसके कारण मान लेंगे v3। तो एम पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3, क्योंकि हमने पढ़ा दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। कई सारे चार्ज हों और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, सेकेंड लेक्चर में ही पढ़ाया गया था आपको। तो सबसे पहले अलग अलग के कारण पोटेंशियल निकाल लीजिए और उसको बीजगणितीय योग या अल्जेब्रिक समेशन कर दीजिए। तो जो अगर n पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहले इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे और फिर इसके कारण निकालेंगे, फिर उन तीनों का अलजेब्रिक समेशन n पॉइंट पर पोटेंशियल होगा और वह वैल्यू आप यहां ला करके पुट करेंगे। समझ आ गई बात? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं, जो अगर एडवांस में पूछना हो तो और अच्छी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। एडवांस में जो अगर पूछनी हो तो और अच्छी प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं। इससे रिलेटेड हम आपको क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भेज देंगे जिनको आपको करना होगा। बस की पॉइंट आपको याद रखना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो अगर चार्ज के मूव से निकाला जाए, जिसे एक एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम दी है, उस एनसीईआरटी का प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है।
एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम ये है, ऐसा पोटेंशियल के चैप्टर मिलेगा, पोटेंशियल और कैपेसिटर के चैप्टर में, इसमें कह रहा है कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा है 0,0,0 पे। एक कैपिटल क्यू चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? 0,0,0 पे रखा हुआ है। एक अनदर चार्ज है स्मॉल क्यू, लेकिन वहाँ 8 मिली कूलम के नाम से दिया गया है, वहाँ डेटा दिया है, मैं ये नहीं मान लेता हूँ, मैं एक वेरिएबल ही मान लेता हूँ स्मॉल क्यू चार्ज है। तो एक स्मॉल क्यू चार्ज को पहले ओ से ए तक लेके जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं? ओ से, ये ओ ओरिजिन का मतलब ओ है। एक स्मॉल क्यू चार्ज को पहले ओ से कहाँ तक लेके जाते हैं? ए तक लेके जाते हैं। और फिर ए से कहाँ तक लेके जाते हैं? बी तक लेके जाते हैं। और तुम्हें अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना था। क्या निकालना था? क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। आ चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड अनदर चार्ज स्मॉल क्यू मूव फ्रॉम ओ टू ए, देन ए टू बी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले चाहे आप ओ से ए तक ले जाने में वर्क डन डब्ल्यू वन निकाल लें, और फिर क्या, ए से बी तक ले जाने में वर्क डन क्या निकाल लें? डब्ल्यू टू निकाल लें, और फिर दोनों का क्या कर दें? समेशन कर दें। तो जो अगर W1 निकालोगे तो क्या लिखोगे? W1 निकालोगे तो क्या लिखोगे? सीधे सीधे लिखोगे Q किस पॉइंट पे गए? BA पे। कहाँ से आए? O से। तो BA माइनस BO, और फिर क्या करोगे? Q BB माइनस BA। और चाहे तुम डायरेक्टली पहुंचा दो तब नहीं आएगा क्या? बी ओ माइनस या डब्ल्यू क्या लिखेंगे? चलिए क्यू थोड़ा ओरिजिन से हटा लेते हैं, क्योंकि किसी चार्ज के जस्ट ऊपर पोटेंशियल निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्यू चार्ज भी ओरिजिन पे रखा हुआ है और पॉइंट भी ओरिजिन पे ही है, इसलिए आपका पोटेंशियल आर की वैल्यू क्या लेंगे? जीरो लेंगे, तो नॉन डिफाइन केस में आ जाएगा। तो इस चार्ज को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, और चार्ज को शिफ्ट किधर कर लेते हैं? चलो मान लो ये यहाँ पे है कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे, क्योंकि भाई जैसे ये है, आपको पढ़ा होगा ये क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल, तो फार्मूला आपका पता है क्या है? वी इक्वल टू 1/4πε0Q/r। लेकिन जब हमें यहीं पे पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या होगा आर की वैल्यू? आर की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। और जब आर की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट होगा, जो नॉन डिफाइन होगा। तो हमने क्या अभी यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज लिखा था, लेकिन जब यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या होगा? फिर नॉन डिफाइन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा शिफ्ट करना ज़्यादा सही है, तो आप पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे अच्छे से। तो ये हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप चार्ज चलो ओरिजिन पे ही रखो, लेकिन मूव कहाँ से कहाँ तक कराओ, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं हम, तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा आ जाएगी। ये क्यू चार्ज बेटा कहाँ पे है, आप पहले कहाँ पे लेके जाओ? एक चार्ज को ए से, इस पॉइंट ए से कहाँ लेके गए हैं? बी पे। और फिर बी से कहाँ लेके गए हैं? सी पे। ऐसे क्यू को मूव कराएं और अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? क्यों वो नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उसी पॉइंट पे निकालना, जिस केस में जो अगर हम उसी चार्ज के ऊपर निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और जीरो से जब किसी को डिवाइड करते हैं तो वो नॉन डिफाइन हो जाएगा। और जो अगर यहाँ पे चार्ज भी था और यहीं से लेके जाओगे तो जब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे वो आपके लिए क्या रहेगा? नॉन डिफाइन रहेगा। समझ आई बात आप लोगों को? तो बेटा जो अगर हमें क्वेश्चन क्या है, फिर से सुन लीजिए। एक चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? ओरिजिन पे। कहाँ पे रखा हुआ है? कैपिटल क्यू चार्ज ओरिजिन पे रखा। एक स्मॉल क्यू चार्ज को पहले ए से कहाँ पे लेके जाते हैं? बी पे। और फिर बी से कहाँ पे लेके जाते हैं? सी पे। और अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालो। तो जो अगर यहाँ पे हम W1 निकालें तो क्या लिखोगे? तो W1 लिखोगे क्यू बी बी माइनस बी ए।
समझ आ गया। और जब डब्ल्यू टू लिखोगे तो क्या लिखोगे, डब्ल्यू टू लिखोगे तो लिखोगे क्यू वी सी माइनस बी बी, समझ आ गई बात। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, W जो हो जाएगा वो W1 प्लस W2 हो जाएगा, किसमें A2 किसमें मूव कराने में, C मूव कराने में, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव नेचर, जिसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो जो अगर आप डायरेक्टली इधर मूव करा दें वो भी आपका क्या होगा, इसी के बराबर आएगा। तो जो अगर डब्ल्यू हम डायरेक्टली निकालते क्यू बी सी माइनस बी ए, तो बी सी माइनस बी ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसी के इक्वल आती। क्योंकि आपको पोटेंशियल वाली केस में भी पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, पोटेंशियल की डिफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एनी आर्बिट्री पाथ, किसी भी पाथ से लेके आइए, हमें लाना ए से सी तक ही है। तो चाहे हम ऐसे ऐसे लेके जाएं और सी पे लेके जाएं तब भी अमाउंट ऑफ वर्क डन इतना ही होगा, और चाहे आप ऐसे ऐसे लेके आ रहे हैं तब भी अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, इतना होगा। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव नेचर, और कंजर्वेटिव फोर्स की डिफिनेशन आपने पढ़ रखी है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ये बात क्लियर होगी। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, उसमें 8 मिली कूलम डेटा दिया हुआ है, एक ओरिजिन पे चार्ज दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू दी है, और कह रहा पहले यहाँ से यहाँ ले गए फिर यहाँ से यहाँ अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालो, उससे निकालो और डायरेक्टली लेके जाओ, आपके दोनों आंसर सेम आएंगे। आज की क्लास बेटा कंप्लीट कर देते हैं, अभी हमें पढ़ाना बहुत कुछ है। हमें पढ़ाना क्या है, अभी हम रिलेशन पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसका रिलेशन पढ़ाएंगे। अभी पोटेंशियल दिया हो तो फील्ड कैसे निकालते हैं उसका भी प्रॉब्लम हमें कराना है, जिसके नीट में 5-6 प्रॉब्लम अभी तक पूछे गए हैं और जेई मेंस में भी कई प्रॉब्लम आ चुके हैं। तो इसको हम कल करते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो गई, आज का फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।